लखनऊ के गोमती नगर स्थित SRS मॉल के एक होटल में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने रमाला होटल में छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर मारी। पुलिस को सूचना मिली कि होटल में बगैर लाइसेंस के शराब पिलाई जा रही है और पार्टी आयोजित की जा रही है। छापेमारी के दौरान मची भगदड़ में होटल की मालकिन वहां से भाग निकली। मुखबिर खास से सूचना मिली कि रमाला क्लब रेस्टोरेंट में जो है अवैध रूप से मदिरा का सेवन कराया जा रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके गोमती नगर पुलिस थाने के प्रभारी और यहाँ चौकी पुलिस प्रभारी SRS माल को साथ में लेके जो है मैं प्रवीण पांडे आबकारी निरीक्षक के साथ रेस्टोरेंट रमाला पहुँचा, जहाँ पे कुछ व्यक्ति पुलिस वालों को देखते ही भागने लगे, जिसमें जो है वेटर ये रेस्टोरेंट की मालकिन श्रीमती पल्लवी यादव भी फरार हो गई मौके से। मौके से गिरफ्तार वेटर शशि प्रकाश ने बताया कि जो है यहाँ पे मदिरा का सेवन उनके मकान मालकिन उनके रेस्टोरेंट मालकिन श्री पल्लवी यादव द्वारा कराया जा रहा था। उससे परमिट आदि के बारे में जानकारी की गई तो उसने ये बताया कि आज की जो यहाँ पार्टी चल रही थी, इस संबंध में कोई भी परमिट आपका विभाग से नहीं लिया गया था। पुलिस ने मौके से 99 शराब की बोतलों समेत भारी मात्रा में दूसरी अवैध चीजें बरामद की हैं। साथ ही वेटर को गिरफ्तार कर होटल को सील कर दिया है। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब के सिटी टीवी।